योगी है, कट्टर ईमानदार और हिंदू, कट्टर हिंदू है वो बंदा। अरविंद केजरीवाल क्या है? वो नहीं है, वो मुसलमान को सपोर्ट करता है, वो हिंदू नहीं है। लाउड स्पीकर उतर गए ना, लाउड स्पीकर उतर गए। ये टोपी भी उतरेंगी, ये टोपी भी उतरेंगी लाउड स्पीकर की तरह। अच्छा। और ये दाढ़ी भी कटेंगी। 5-7 साल रुक जाओ, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी एक छत्र हो जाएगी, एक छत्र राज हो जाएगा पूरा। एकदम पहले से ही लेखा जोखा मतलब तैयार किया जाता है, वो मेकअप है उनका कि देखो मैं तो आम आदमी हूँ। आम आदमी नहीं है, जानबूझ के शर्ट निकलवाता है, जानबूझ के। दो बार मुख्यमंत्री रह लिया, एक शर्ट नहीं है, प्रेस नहीं हो सकती क्या? योगी जी ने उत्तर प्रदेश कतई हीरा बना दिया, हीरा। हाँ जी, कैसे? गुंडागर्दी सारी खत्म है, हर इंसान की सुनवाई है, और कौम पर ध्यान दिया जा रहा है, महिला को वो रखा जा रहा है, सम्मान है, हॉस्पिटल सुविधा है। अच्छा। लोग पहले थोड़े को वो काटते रहते थे चक्कर, कोई सुनवाई ना हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत जाओ, तुरंत जो प्रॉब्लम है FIR करो। तो एक गुंडा पार्टी होगा, गुंडा पार्टी होगा, खाली बस समाजवादी पार्टी का सफाई किया है सभी, बसपा का, कांग्रेस का। भगवान से यही प्रार्थना हो कि योगी जी ही रहे में। योगी जी ही फिर से आए? हाँ जी, भगवान से प्रार्थना, आगे बढ़े। अच्छा। उनको आशीर्वाद, उत्तर प्रदेश की जनता को, माननीय मोदी जी की, उनको सबको आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए, और यही सब चाहते हैं। गुजरात में तो जीत गई बीजेपी। हाँ जी, बालक बूढ़े बड़े छोटे सबके दिल में मोदी जी और योगी जी की पुकार है। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल तो एक भ्रम फैलाता हो पब्लिक में, वो कैसे किसी के लिए फ्री कर दियो, वो ये सब चीज बेकार की बात है। भगवान ने दो हाथ पांव सब दिए खाने कमाने के लिए। अच्छा। मेहनत करो और खाओ कमाओ। फ्री में पसंद नहीं आ रहा आप लोग? नहीं, कितने दिन कोई फ्री दे सकता हो आप बताओ? झूठे लालच, झूठे लालच पब्लिक का गुमराह करने वाली बात है। एमसीडी में जीत गए, कोई एक महीने दे सकता हो, कोई दो महीने दे सकता हो, बाकी अपने मन से खाओ कमाओ। लेकिन एमसीडी में जीत गए, तो रोहिंग्या बसा रखे है ना बाहर से झुग्गी झोपड़ी में। अच्छा। उनकी वजह से, रोहिंग्याओं की वजह से। हाँ, क्यों नहीं बसा रखे? आप देख लो जगह जगह बसा रखे। उनको बताओ, जो कोई फ्री को लालच देगा, बिगर मतलब के दे देगा कोई फ्री को लालच, उसे कोई मतलब है? जब तो फ्री को लालच दिया जा रहा है। मतलब है उनको फायदा? आम आदमी नहीं है, जानबूझ के शर्ट निकलवाता है, जानबूझ के। दो बार मुख्यमंत्री रह लिया, एक शर्ट नहीं है, प्रेस नहीं हो सकती क्या? तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। जो ये नॉर्मल अपने आप को दिखाते हैं, चप्पल में घूमते हैं, जानबूझ कर, जान वो पूरा एकदम पहले से ही लेखा जोखा मतलब तैयार किया जाता है, वो मेकअप है उनका कि देखो मैं तो आम आदमी हूँ। कोई आम आदमी ना है, कोई आम आदमी नहीं। अरे वो तो बोल रहे थे कि एमसीडी में जीतने के बाद गुजरात में भी जीत हासिल करेंगे, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया। 5-7 साल रुक जाओ, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी एक छत्र हो जाएगी, एक छत्र राज हो जाएगा। हाँ, एक छत्र। ऐसा क्यों? मतलब कि कोई पार्टी नहीं आएगी, कोई पार्टी बचेगी ना, जब कोई वोट ही ना डालेगा पार्टी खत्म। अच्छा, कोई वोट ही नहीं डालेगा? नहीं डालेगा। भविष्य में आप देखना, दाढ़ी टोपी भी उतर जाएंगे। भविष्यवाणी कर रहे अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री। हम लाउड स्पीकर उतर गए ना, लाउड स्पीकर उतर गए। ये टोपी भी उतरेंगी, ये टोपी भी उतरेंगी लाउड स्पीकर की तरह। अच्छा। और ये दाढ़ी भी कटेंगी। हाँ, ऐसा क्यों? पूरा हिंदू क्यों? ये हिंदू, हिंदू देश नहीं था ये, क्या ये सब बाहर से आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, और केजरीवाल तो वही पॉलिटिक्स करते हैं गंदी वाली। आप रहने का हक नहीं है उनको? क्या रहने का हक नहीं है? रहने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं वो क्यों रहे? भाई रोहिंग्या वगैरह जो बांग्लादेश से आ रहे हैं वो क्यों रहे? हमारे देश के जो हैं वो रहे, बाहरी नहीं। अच्छा। बाहरी कोई कबूल नहीं। क्या लग रहा है कि दिल्ली को भी योगी की जरूरत है? बिल्कुल। दिल्ली को नहीं, वास्तव में तो पूरे देश को जरूरत है, पूरे देश को, प्रधानमंत्री के लिए। हाँ, मोदी के बाद योगी की बात, और कहीं मालिक की तरफ से ऐसा झटका न लग जाए कि सारी धरती को योगी की जरूरत हो जाए। अच्छा। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है। अभी आपने देखा क्या माहौल बना दुनिया में, बनाना, लेकिन किसी न किसी कारण रुक गया, ये फिर भविष्य में होगा। अच्छा। और योगी हिंदू सम्राट बनेंगे। अच्छा। हाँ, पूरी पूरी पृथ्वी पर। अच्छा, हिंदू सम्राट बनेंगे, भगवा लहराएगा, भगवा लहराएगा। हाँ, हम लोग लहराना चाह रहे हैं भगवान देश पर पूरी तरह से, पूरी तरह से। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी आई हैं, उनसे बात करने की कोशिश। हमारी बहन बेटी जी, क्या नाम हुआ आपका? सीमा। कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा। ये नोएडा से आई है। और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा होता है सम्मान इंसान का। हमारी बहन बेटी कोई भी कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब
कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नर्स का काम करती हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में रात के 12 बजे आऊँ या 1 बजे आऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और मोदी तो मतलब मोदी सरकार आनी चाहिए, कहने का मतलब ये है मोदी सरकार आनी चाहिए। हाँ जी, हर जगह मोदी सरकार। मोदी अच्छा है, वो काम भी अच्छा कर रहा है। मोदी और योगी जिसे बोलते हैं ना, हाँ, एक सेफ्टी जो होती है। अच्छा। ठीक है, केजरीवाल मुझे तो पसंद है। नोएडा से आए? हाँ जी। वहाँ पे तो योगी सरकार है, अच्छा काम कर रही है। अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? दिल्ली तो बगल में ही है, आती जाती रहेंगी। दिल्ली में क्या हो रहा है आप ये बताइए। दिल्ली में वो अभी केस सुनाया आपने, तो उसको कुछ, उसको उस लड़के ने उसके 35 टुकड़े कर दिए श्रद्धा के, उसको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला ना, अभी न्याय तो कुछ मिला ही नहीं है। तो अगर ये केस यूपी में होता, अगर ये केस यूपी में होता तो शायद कुछ होता। क्या करते पापा जी? मैं नहीं करती। लोजर नहीं, नहीं, योगी योगी एनकाउंटर करते उसका। डायरेक्ट एनकाउंटर करते, किया भी है, वो से केस किया है। अरविंद केजरीवाल कैसे लगते हैं ये बताओ? मुझे पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि वो लोग झूठे वादे करने हैं। पानी और बिजली बिल ये सब फ्री कर रहे हैं। कहाँ फ्री है? मैंने तो कितनों के मुंह सुना है कि बिल आ रहा है, 1 महीने का ₹500 बिल आ रहा है दिल्ली में रहने वाले। दिक्कत क्या है आपको अगर फ्री में मिल रहा है? क्यों दिक्कत नहीं है तो बोलो मत, बोलो मत। अच्छा। बोलो मत, अगर बोलते हो तो करो उस चीज को। तो बस योगी अगर बोलते हैं तो वो करते हैं। अच्छा। मोदी जी भी, और मोदी सरकार आनी चाहिए बस। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। वो कट्टर ईमानदार है, योगी है कट्टर ईमानदार, और हिंदू कट्टर हिंदू है वो बंदा। अरविंद केजरीवाल क्या है? वो नहीं है, वो मुसलमान को सपोर्ट करता है, वो हिंदू नहीं है। नहीं है, नहीं है हिंदू। जो मुसलमान को सपोर्ट करेंगे तो वो हिंदू है क्या? अच्छा। है, बताओ आप। क्या बोल रहे हो भाई? भगवान से बाधित कोई चीज नहीं है। योगी जी और मोदी जी हमारे लिए भगवान हैं। अच्छा। हाँ जी, हम उन्हें की पूजा करते हैं, मानते हैं। योगी जी और मोदी जी के लिए वो हमारे लिए एक भगवान है, भगवान के रूप में है। भगवान भी किसी न किसी अवतार है इसी रूप में भेजता है, तो वो भगवान है जनता के। आप भक्त हैं? भक्त नहीं है, सारा देश भक्त है। देश भक्त है। तो मैं अकेला ना हूँ, और भगवान की तो कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा। तो वो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेखा है। कहाँ से आई हैं? नोएडा से आए हैं। नोएडा से आए हैं जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे बाप भाई रक्षा करते हैं ना, वैसे योगी मोदी भी रक्षा करते हैं। मुझे ऐसे लगता है भाई बाप जैसे ही वो लोग हैं। योगी मोदी जी क्या रक्षा, क्या मतलब इससे पहले क्या माहौल? बहुत सुरक्षा है, बहुत अच्छा है। हम लोग कहीं भी जाते हैं कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। यूपी में तो बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है। तो योगी मोदी के पहले क्या था? बहुत अच्छा था, पहले से भी ठीक था, अभी भी ठीक है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? साधना। आप वहीं से? नोएडा से आए? हाँ, नोएडा से आए हूँ। यहाँ पे खुशी मनाने आए? हाँ, खुशी मनाने आए। नहीं, मोदी सरकार, मोदी जी की जीत। हाँ, मोदी सरकार।